हाय दोस्तों, ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम दरास। दरास जो कि जाना जाता है धरती के ऊपर दूसरा सबसे ठंडा इलाका है जहाँ पे इंसानी आबादी रहती है, और कश्मीर साइड से ये लद्दाख का पहला कस्बा है। यहाँ से आज मैं निकल रहा हूँ जोजिला पास क्रॉस करके कश्मीर की तरफ। सुबह के 9 बजे के आसपास का टाइम है, बढ़िया धूप खिली हुई है, ठंड काफ़ी है। नाश्ता हो गया है, चलते हैं। गाड़ी अपनी रेडी है और इस तरफ ये पेड़ों का जो पत्तों का पीलापन है, ये है पतझड़ के आने की एक शुरुआती निशानी। इस तरफ ये दरास दरिया जो कि जोजिला से आता है, वो बहता हुआ जाके कारगिल में सुरू नदी में मिलता है। अक्टूबर का महीना है और लद्दाख में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। जो लोग लद्दाख से बाहर के यहाँ पे गर्मियों के टाइम काम करने के लिए आते हैं, वो लोग वापस लौट रहे हैं। कोई छोटे मोटे ढाबे चलाता है, कोई होटलों में काम करता है, कोई VRO के लिए काम करता है। ऊपर वाले पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरी है 4-5 दिन पहले ही। दरास दुनिया में दूसरा सबसे ठंडा इलाका इसलिए है क्योंकि यहाँ सर्दियों में बहुत भयंकर वाली ठंड पड़ती है, और रिकॉर्ड है सन 1995 में सर्दियों के टाइम यहाँ पे -60+ टेम्परेचर दर्ज किया गया था, जो कि जहाँ पे भी इंसान बसते हैं दुनिया में उनमें दूसरे नंबर पे है कि इतनी ठंडी जगह पे सरवाइव कर रहे हैं लोग। और दरास के बाद कश्मीर में एंटर होने के लिए आज जो पास क्रॉस करना है उसका नाम है जोजिला पास। जोजिला पास भारत का सबसे ख़तरनाक दर्रा है। वो अलग बात है कि सबसे ऊंचा नहीं है, फिर भी रिस्क के मामले में सबसे डेंजरस माना जाता है इसको। उसकी वजह आगे वहाँ पे पहुँचेंगे तब मैं बताऊँगा आपको। जैसे जैसे मानसून ख़त्म होता है और ऑटम का सीज़न आना शुरू होता है, सारे पहाड़ों के दरिया और ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगते हैं। उसकी वजह आप देख रहे हैं, पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है और पीछे पहाड़ों पे भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ का बैकग्राउंड। वैसे मुझे अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक का टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है पहाड़ों में, क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा होती है, चारों तरफ जो फॉग है वो हट चुकी होती है, नज़ारे सारे के सारे साफ दिखाई देते हैं। और जोजिला पास एक और मामले में भी बड़ा कमाल का दर्रा है, लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता भी है और डिवाइड भी करता है। इसके कश्मीर वाली तरफ आप देखोगे तो दिखेंगी आपको खूबसूरत हरी भरी वादियाँ, और इसके लद्दाख वाली तरफ मुँह फेर के देखोगे आप तो आपको दिखेगा ये ठंडा रेगिस्तान। दरास से 10 किलोमीटर आगे आने के बाद गांव आया एक पंड्रास, छोटा सा गांव है, बड़ी सुंदर सी लोकेशन पे। यहाँ पे जो दरास वैली है काफ़ी खुली हुई चौड़ी है, इस तरफ खेत भी है। यहाँ ये राइट साइड में मेरे इतने से घर हैं। वो सामने बर्फीले पहाड़ वो है एरिया जोजिला पास वाला, नीचे पूरी मस्ती में बहती हुई दरास दरिया। असल में नदी का जो बहाव है या उसको देखने का मज़ा ऐसे ही एरिया में आता है जब पूरा चौड़ा रिवर बेड हो और बल खाती हुई ऐसे शांति से एक पीसफुल पेस पे नदी बहती हो, तो उसके किनारे बैठने का पानी में पांव डुबा के वो मज़ा ही अलग है। और यहाँ पे तो काफ़ी दूर तक इस नदी के आसपास ना नीचे ऐसी काफ़ी जगह मिल जाएंगी
जहाँ पे कैंपिंग भी की जा सकती है, करते भी हैं लोग गर्मियों के सीज़न में। काफ़ी सारे बकरवाल लोग हैं, वो आके अपने डेरे लगाते हैं, और बाकी टूरिस्ट लोग भी आते हैं कश्मीर से भी, देश के बाकी इलाकों से भी। यहाँ से थोड़ा आगे आएगा एक और गांव मटियान, जिसके अंदर बड़ा मस्त ढाबा है एक शर्मा अंकल का, वहाँ होपफुली वो खुला मिले, खाना खाते हैं, उसके बाद आगे जोजिला की चढ़ाई चढ़ेंगे। लो जी, ये है शर्मा जी का ढाबा, खुला, मस्त कड़ी देसी घी डाल के, तंदूरी रोटी साथ में लस्सी। और ये जनाब अपने बहुत कमाल की यहाँ पे रोटी बनती है, खाना बनता है पूरा। लद्दाख एंटर होते ही जोजिला से 20 किलोमीटर आगे यहाँ खाना खाना मत भूलना कभी भी। अभी 11:15 हुए हैं, खाना खाया पेट भर के, और यहीं पे मुझे पता चला कि 12:00 के बाद जोजिला पे मौसम ख़राब है, बारिश बर्फ़ भी गिर सकती है, तो टाइम टाइम से निकलते हैं। और एक बार जोजिला क्रॉस हो गया फिर सेफ जोन है। 11:00 ही हवा चलनी शुरू हो जाती है, उसके बाद शाम तक ऐसे ही खूब ठंडी तेज़ हवा चलती है। सामने से हवा इतनी तेज़ है कि मतलब पूरा जोर लगने के बाद भी साइकिल बीच बीच में तो थोड़ी सी नहीं खींच सकती हवा। चलो कोई ना, पर ये मौसम ठीक रहे, ऐसी धूप खिली रहे अगले 2 घंटे एटलीस्ट, इतने में जोजिला टप जाऊंगा मैं। यहाँ आती है चेक पोस्ट, जो आप जोजिला साइड से अगर लद्दाख में एंट्री करते हो तब भी एंट्री होगी आपकी, और ले साइड से आते हो तब भी आपका एग्जिट टाइम पे भी एंट्री होती है। बताओ आप सामने से इतनी तेज कैसे साइकिल चढ़े। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये जोजिला पास के नीचे टनल का काम चल रहा है, और ये है ईस्ट पोर्टल जो लद्दाख की साइड में खुलता है, तो भी लगेगा टाइम पूरा बनने में, उसके बाद तो ये सर्दियों में भी ये रोड खुला रहेगा। जोजिला पे सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ट्रक वालों को, इतना नेरो और स्टीप रोड है और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। जोजिला पास से कुछ 6-7 किलोमीटर पहले ये वाला जो स्ट्रेच है इस पर अभी तक काम नहीं हुआ है, ये ऐसा ही देखा है मैंने। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक साल के इस एरिया में बर्फ़ रहती है, तो उस वजह से फिर ये रास्ते की हालत ऐसी है। उसकी वजह से यहाँ पास के दोनों तरफ ये जो ईंटें देख रहे हैं आप छोटी छोटी सीमेंटेड, ये ईंटें बिछाने का काम चल रहा है, तो यही रोड टिक पाएगा इतनी ज़्यादा बर्फ में। यहाँ जोजिला पास के टॉप से थोड़ा 2 किलोमीटर पहले ये एक इंडियन आर्मी का स्पॉट है कोई, और यहाँ कुछ टूरिस्ट लोग आए हुए हैं फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। इस तरफ से ये एक अंदर छोटी वैली है। ये जो पीछे स्पॉट देख रहे हैं इसकी ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पार्टीशन के बाद सन 1948 के अंदर पाकिस्तानी आर्मी ने कारगिल साइड से ना जोजिला पर कब्ज़ा कर लिया था, तो 1 नवंबर से 23 नवंबर 1948 के बीच में, वो उस टाइम जब यहाँ पे बर्फ़ गिरनी शुरू हो चुकी होती है, और 1948 आज भी यहाँ पे रोड बनना अभी भी पास के ऊपर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस टाइम 11,580 फीट के करीब की ऊंचाई पे इंडियन आर्मी ने श्रीनगर साइड से टैंक चढ़ाए थे,
और टैंक यहाँ पे चढ़ा के, ये पीछे जो दिख रही है हिल, इसका नाम है मुकुंद हिल। तो ये मुकुंद हिल पे कब्जा किया और यहाँ से पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा था पीछे की तरफ। तो इस जोजिला पास पे 48 के अंदर जब इंडियन आर्मी ने इसको रिकैप्चर किया, इसके बाद से यहाँ से कारगिल साइड के लिए इंडियन आर्मी के जो रास्ते वो खुले, और वहाँ से कारगिल पहुँचने के बाद वहाँ से ले का रास्ता खुला था। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट स्पॉट है कश्मीर और लद्दाख का, या कारगिल का जितना एरिया है इंडिया के पास, उसको पाकिस्तान से दोबारा अपने तरफ लेने के उस जो जंग थी 48 की उसके अंदर। इसलिए यहाँ पे ऊपर एक पुराना शिव मंदिर भी है जो कि शायद उसी टाइम का बनाया हुआ है, और ये जो उस टाइम शहीद हुए थे 48 में जो जवान, उनकी याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। तो सारे लोग आते हैं यहाँ पे, रुकते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कभी भी आप लोग आओ तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए कम से कम ज़रूर रुकना। उसके ठीक सामने एक छोटा सा कैफ़े है, गुमरी कैफ़े, जो कि इंडियन आर्मी ने ही बनाया है, और एक जवान ने मेरे को बोला कि आप इसको ज़रूर लेना अपने उसमें। तो इस तरफ उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है, कितनी सुंदर है। और ये भी यहाँ से कौन सी जगह की कितनी डिस्टेंस है, ये उसके लकड़ी से ये बना के पूरा का पूरा मैप, और उसके ऊपर लिखा गया है LOC 30 किलोमीटर, मशकू वैली 50, श्रीनगर 110, हालतल 16। तो गुमरी कैफे ये है जोजिला पास का 0.11649 फीट की ऊंचाई पर, और ये गाड़ियाँ आ रही है, इस तरफ रह जाता है लद्दाख, और ये इधर से बाइक की हवा चल रही है, इस तरफ है कश्मीर। यहाँ इस तरफ नीचे भी कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं, काफ़ी टूरिस्ट उस तरफ आते हैं फोटोग्राफी करवाने। और जून जुलाई तक तो यहाँ पे बर्फ़ होती है इस तरफ, नीचे ये ग्लेशियर एरिया है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि जोजिला में ऐसा ख़तरनाक वाली कोई बात लगी नहीं हमें, पर असल में जोजिला से जब सोनमर्ग की तरफ आना शुरू होते हैं, ख़तरनाक जो इलाका है वो इधर ही शुरू होता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ से, और दूर तक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है पूरा जाम है, धीरे धीरे करके गाड़ियाँ निकल रही हैं, बीच में इनके आर्मी का एक कॉन्वॉय चल रहा है, तो टूरिस्ट का भी और आर्मी की गाड़ियों का भी सारा मिला जुला के ये हो गया है। और यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, यहाँ तक तो ये जो नीचे नदी है थोड़ा ठीक ठीक गहराई में चल रही है, यहाँ आते ही ना आगे वो खाई जहाँ तक पानी दिख रहा है, उसके बाद एकदम सीधी नीचे जाएगी और गहरी हो जाएगी खाई, और यहाँ से आगे ये जो रोड है ये थोड़ा और पतला हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि ये काफ़ी दूर तक ऐसा ही स्ट्रेच रहेगा, और इतना ज़्यादा रिस्क है इसमें, ऊपर से पत्थर भी गिर सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकती है, थोड़ा सा भी अगर ड्राइवर की इधर उधर हुई नज़र तो फिर सीधा। तो इसलिए यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, बड़े बड़े जाम लगते हैं लंबे लंबे। और पास के दोनों तरफ रास्ते की कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जब यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, या फिर आगे जैसे सर्दियों का टाइम आएगा तो वो पाला जम जाता है, तब क्या है कि गाड़ियों के ब्रेक जो हैं वो आप लगाओ या ना लगाओ कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रेक लगाते टाइम गाड़ी बल्कि फिसल के और ज़्यादा इधर उधर होती है, और फिर इतना पतला सा रोड हो जिसके अंदर, इस तरफ तो अभी भी शायद ये लगता है इस साल ही ये इस तरफ स्लाइड हुई है, इसको फिर से रिपेयर कर रहे हैं ये। अब यहाँ से देखो आप सामने वाला जो पहाड़ है, नीचे नदी या पानी कुछ नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ वहीं तक दिख रहा था। यहाँ पे ये ऊपर वाला रास्ता है कि एक नीचे रास्ता है, जो एक्चुअल में पुराना रास्ता था, बाद में इसको वन वे कर दिया था कि
दोजिला से नीचे जाते टाइम इधर से जाना है और ऊपर आते टाइम ये रास्ता, पर अभी ये नीचे वाला बंद हो गया है, 5-6 जगह लैंडस्लाइड हो रखी है। तो दोनों साइड का जो ट्रैफिक है वो अभी ऊपर वाले रास्ते पे आ गए, इसलिए इसके ऊपर जाम लगा है, नहीं तो नीचे जाने वाली गाड़ियाँ इधर से निकल जाती और ऊपर वालियों के लिए ये रोड था। यहाँ से देखो इस तरफ ये आ रही है गाड़ियाँ, कितनी भीड़ी सड़क है। ये नीचे वाला तो अभी भी कच्ची कंडीशन में ही है, पर फिर भी नीचे जाते टाइम गाड़ियाँ निकल जाती है। और ये इस तरफ का नज़ारा, ओह माय गॉड, तो इस पास के ऊपर चढ़ते उतरते टाइम जाम में फंसना बड़ी आम सी बात है, आप गाड़ी या बाइक वगैरह में हो और ऐसे लोकेशन पे आप ट्रैफिक जाम में फंस के रह जाओ। ठीक है, चारों तरफ के नज़ारे बहुत शानदार हैं, आप निहारते हो, पर अगर आप थोड़े मोटे कमज़ोर दिल के हो फिर मुश्किल होती है। 3 बजने वाले हैं, जोजिला से 5-6 किलोमीटर नीचे आया हूँ, नीचे सोनमर्ग की तरफ। पूरा का पूरा नज़ारा तो बहुत सुंदर है, पर ऊपर बादलों का नज़ारा भी बन गया, माहौल पूरा बारिश वाला। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टाइम से पहुँचते हैं नीचे। इस तरफ है अमरनाथ का जो ट्रैक का रूट, और नीचे जो आप जगह देख रहे हैं ये है बालतल, जहाँ से शुरू होता है सोनमर्ग साइड से, पहलगाम साइड से भी एक रास्ता है। ये तो शुक्र है मैं टाइम टाइम से जोजिला क्रॉस करके आ गया, वरना इस तरफ आगे की हालत देखते हुए इस वक्त जोजिला पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है मौसम। सोनमर्ग राय 3 किलोमीटर यहाँ से, और ये इस तरफ है जोजिला टनल का जो वेस्टर्न पोर्टल, उसका काम चल रहा है। इस तरफ हल्की हल्की बारिश हो रखी है, अभी थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही है। ये समझो पहुंच गए हम ब्यूटीफुल सोनमर्ग। ये नीचे पूरी सोनमर्ग वैली के अंदर सारा का सारा सोनमर्ग का बाजार। ये है सोनमर्ग का बाजार, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ से शुरू हुआ और 150-100 मीटर आगे जाके बाज़ार ख़त्म। और पूरे के पूरे मार्केट में होटल हैं, ढाबे हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, ज़्यादातर यही है, बाकी यहाँ कश्मीरी जो सामान होता है उसकी भी दुकानें हैं, बट मोस्टली होटल, रेस्टोरेंट, टूरिस्ट टाइप की मार्केट है ये। तो यहाँ पे आके ये एक जम्मू दा डोगरा ढाबा है, तो इसमें मेरे को ठीक सा 300 रुपये तक रूम मिल गया है। नॉर्मली सीज़न में ये रूम 300 रुपये में पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ मैं पहले भी खाता रहा हूँ, तो यहाँ थोड़ा हो गया इंतज़ाम, तो अभी थोड़ा कुछ चाय नाश्ता करते हैं और सामान अपना रूम में ले जाऊँगा मैं। बारिश का मौसम है, साइकिल यहीं पर खड़ी रहेगी,